नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की यानी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हमारा राष्ट्रीय पर्व मुबारक हो। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मगर अब हम बात करते हैं इस पर्व के होने के बाद जो मुसीबत हमारे ऊपर आती है उसकी। होता यह है कि हम लोग 15 अगस्त के कुछ घंटे में लाखों की संख्या में पतंगबाजी करते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो पतंगबाजी अपने आप में एक अनूठा पर्व है। लोग इसको खूब इंजॉय करते हैं क्योंकि 15 अगस्त आने का मतलब यह है छुट्टी का दिन और 15 अगस्त तक जम के पतंगबाजी। मगर उसके बाद जो हम करते हैं उससे कई लोगों की जान पे मुसीबत बनाती है। कई दिन तक यह खबरें मिलती हैं कि आज ये व्यक्ति घायल हो गया और इसकी जान चली गई, और कारण होते हैं हम सब। आखिर क्यों हम ऐसी उत्साह ऐसी अपनी खुशी क्यों मनाते हैं जिसके कारण किसी की जान चली जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए और किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए। हम लोग इस समय पतंगबाजी में चाइनीज मांजे का यूज करते हैं, आखिर क्यों? हालांकि चाइनीज मांजा सरकार कहती है, दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने बैन कर दिया और ये कहीं नहीं मिल रहा, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है और सरकारें भी यहाँ पे लापरवाह हैं। आप ऑनलाइन जाइए तो आपको जितना चाहिए उतना चाइनीज मांजा ऑनलाइन मिल जाएगा। मगर इसके साथ साथ अगर आप दुकानों से भी परचेज कर रहे हैं तो दुकान वाले भी आपकी शक्ल देख के आपको मांजा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप अपने हैं और आप किसी को लीक नहीं करेंगे खबर कि यहाँ पे यह मांजा मिल रहा है तो वो आपको दे देंगे, अन्यथा वो कहते हैं हम ऐसा काम करते नहीं, हम बेचते नहीं हैं। मगर इस समय चाइनीज मांजे का 15 अगस्त को कितना यूज होता है हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ लोग पतंगबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से मांजे का यूज कर रहे हैं, जिससे इस 15 अगस्त के आज के बाद जब पतंगबाजी वो लोग करके हटेंगे तो यह मांजा कितने लोगों की जान लेगा, कितने को घायल करेगा, यह आप खुद देखिएगा। और हम आपको इसकी खबर भी दिखाएंगे। हर साल हम दिखाते हैं और इस साल भी आपको ऐसी खबरें दिखाएंगे। और यह टोटल फेलियर सरकार का है कि ऑनलाइन मांजा ले लीजिए, और कहीं ना कहीं पुलिस का है जो कहती है, दावे बड़े बड़े होते हैं कि हमने लाखों को बैन किया है, हमने पकड़ा है, हमने कई को हिरासत में लिया है, मगर आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं और सरेआम मिलता है। आज हर घर पे देखिए तिरंगा लगा हुआ है, मगर साथ ही साथ आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, लोग पतंगबाजी भी कर रहे हैं। ये देखिए ये पतंगबाजी भी हो रही है और आपको देखिए आसमान में जहां तक आपकी नजर जाएगी पतंग ही पतंग है। मगर इसके साथ साथ जो दिक्कत हम खुद पैदा करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो पतंग उड़ाते हैं वो चाइनीज मांजे से उड़ाते हैं। आखिर क्यों? यही हमारे लिए और हमारे ही जानने वाले, हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पक्षियों के लिए मुसीबत बनती है। इसका हक किसने दिया? और इस समय देखिए इस दिल्ली एनसीआर में पतंगबाजी की धूम है। हर व्यक्ति अपनी छतों पे देखिए पतंग उड़ा रहा है, एंजॉय कर रहा है। मगर आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम पतंगबाजी में चाइनीज मांजों का यूज करते हैं? इससे पहले भी लोग पतंग उड़ाते थे, चाइनीज मांजा नहीं होता था, तब आप नॉर्मल मांजों से सद्दी से पतंगबाजी करते थे, बड़ी बड़ी पतंगें उड़ती थी, हर छत पर पतंगें उड़ती थी। मगर इस समय जो मुसीबत है वो है चाइनीज मांजा। इन सब पतंगबाजी के बाद जो मांजे कट कट के पतंगों के साथ जाते हैं गलियों में, रोड्स पे जो होते हैं, वो आते जाते लोगों को घायल करते हैं। इसी के कारण लोगों की जान तक जाती है, कहीं के गले कट जाते हैं, कहीं के फेस कट जाते हैं, कईयों की नाकों पे नाक कट जाती है, कहीं के आँख पे घाव हो जाते हैं, कई के कानों पे कट का निशान आता है, कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। मगर ऐसा क्यों? क्या हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हम अपने मजे के चक्कर में, अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में ये सब करते हैं? अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पतंगबाजी हो रही है। लोगों ने अपने छत पे, अपने घरों पे तिरंगे लगाए हैं। अच्छी बात है, आप अपना पर्व मनाइए, राष्ट्रीय पर्व है और इसको धूमधाम से मनाइए। मगर इसके बाद अब रोड पे जो मुसीबत होगी वही सबसे ज्यादा कष्टकारक है। सबसे ज्यादा इस चाइनीज मांजे से लोगों की गर्दनें कटेंगी, लोगों को जख्म मिलेंगे, लोगों की जान जाएगी। आखिर इसका राइट किसने दिया? माँ बाप की भी गलती है कि वो पैसे देते हैं मगर यह भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या खरीद के ला रहे हैं और किससे पतंगबाजी कर रहे हैं। पतंग तो आपने भी उड़ाई होगी ना, मगर आप लोग ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं? आप लोग ऐसे गलतियां क्यों करते हैं कि अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते?
वो पतंगबाजी करते हैं चाइनीज मांजे से, वो दुकानों से पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांजा लेके आते हैं, नहीं मिलता तो कोई जुगाड़ करते हैं। और हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त पतंगबाजी हो रही है और कितना इस समय चाइनीज मांजा यूज हो रहा है, जरा ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, दो तरीके के चाइनीज मांजे हैं और ये चाइनीज मांजे इस समय हमारे हाथ में हैं क्योंकि ये हमारी छतों पे आए हैं। अब आप देखिए किस तरीके से, कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हम खबर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये चाइनीज मांजा, एक ये देखिए, इसका कलर देखिए और इसका ये देखिए, ये दोनों ही मांजे अलग अलग हैं, दोनों ही हमारे छत पे आए हैं। और जब हमने इस पर दुकानदारों से बात की थी कि क्या कोई हमें मांजा प्रोवाइड कर सकता है, तो उसने, क्योंकि कभी हमारे आसपास के सभी लोग हमें जानते हैं, तो उन्होंने हमें यह मांजा देने से मना कर दिया क्योंकि उनको पता है कि हम, हो सकता है पुलिस कंप्लेंट कर दे या उनको कुछ कह दे कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों की जान की आप लोग यहाँ पे परवाह नहीं करते, अपने छोटे से लालच में आप लोगों की जान गंवाते हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें आप बेचते हैं। शायद इसी कारण वो लोग हमें मना कर रहे हैं, मगर उन्होंने बिना कैमरे के हमें बताया कि आप ऑनलाइन सर्च करिए, जितना चाहिए उतना मांजा आपको मिल सकता है, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। तो अभी आपने हमारी ये वीडियो देखी, आखिर हम अपनी जरा से कुछ घंटे के एंजॉयमेंट में कैसे किसी के दुश्मन हो सकते हैं? क्या हमारी गलती नहीं है? क्या सारी गलती प्रशासन की है? क्या हम अपने बच्चों को इतना नहीं अवेयर कर सकते, इतना नहीं समझा सकते या उनके ऊपर इतनी नजर नहीं रख सकते कि वो क्या खरीद रहे हैं और क्या ला रहे हैं घर पे, उससे कितना नुकसान हो सकता है किसी का, क्या किसी की जान जा सकती है, किसी को इससे कोई घायल हो सकता है, पक्षियों को नुकसान हो सकता है, इंसानों को यह घायल कर सकती चीज, आखिर हम ये सब ध्यान क्यों नहीं देते? हम सिर्फ ये कहते कि पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, हाँ उनका भी ये काम है, मगर कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम ये दिखाते हैं कि हम अपने परिवार की बहुत केयर करते हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उनकी खुशी के लिए हम कितना भी पैसा बहा सकते हैं, मगर पैसा बहाना ही सब कुछ नहीं होता। आपका बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है? अगर वो कोई चीज घर पे ला रहा है तो क्या ला रहा है? आज तो मानिए चाइनीज बांजा लेके आ रहा है, कल हो सकता है वो घर में कोई ऐसा हथियार ले आए, ऐसी चीज ले आए जिससे आपको भी नुकसान हो सकता है। हमने भी पतंग उड़ाई है, आपने भी पतंग उड़ाई है, मगर हमारे उस समय में ऐसी पतंगबाजी नहीं होती थी, बड़ी बड़ी पतंगें उड़ती थी, बहुत मांजे हम यूज करते थे, मगर कहीं भी कोई भी मांजा नुकसान वाला नहीं होता था। अब जब से कुछ करीब 4-5 साल से ये चाइनीज मांजे का चलन चला है, लोगों ने इसका अपना एक ट्रेंड में यूज कर लिया है, हर व्यक्ति इसको यूज कर रहा है, ला रहा है। आप ऑनलाइन सर्च करिए, आपको जितना चाहिए मांजा मिल जाएगा, मगर क्यों हम वो गलत की चीज क्यों लाएं? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते, हम खुद क्यों नहीं ध्यान रखते कि हम ऐसी कोई भी चीज अपने घर में ना लाएं, हमारे बच्चे ऐसी किसी चीज का यूज ना करें जिससे उनके हाथ पर कटे, कोई पक्षी घायल हो, कोई व्यक्ति घायल हो, किसी की जान चली जाए, किसी की फैमिली बर्बाद हो जाए। क्योंकि हर साल हम खबर दिखाते हैं कि लगातार लोग घायल होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, किसी का घर उजड़ जाता है, मगर ऐसा हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम खबर देखते हैं और हम कहते हैं ओह बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बुरा हुआ इस इंसान के साथ, ये गलती है, मगर ये गलती भी तो हम ही करते हैं। क्यों नहीं हम इन पे ध्यान रखते कि हमारे बच्चे क्या ला रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम उनको रोकते टोकते? अगर हम ये करें तो शायद हम कई पक्षियों की जान बचा सकते हैं, कई इंसानों के घर बर्बाद होने से बचा सकते हैं, कई माँ बाप को इस दुनिया में जाने से, इस दुनिया से जाने से बचा सकते हैं, और कई बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठने से बचा सकते हैं। किसी के घर में मातम पसर जाए उसका कारण हम ना बने, अपनी खुशी इंजॉय करें और अपनी खुशी में लोगों को भी शामिल करें और हमारी खुशी से किसी को नुकसान ना हो। अगर ऐसी खुशी आप मनाएंगे तो जाहिर सी बात है हर आदमी आपके खुशी में शामिल होगा, हर पर्व चाहे वो राष्ट्रीय हो या हमारे त्योहार हो, सभी पर्व बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे। मगर हमारे किसी खुशी से किसी की जान जाती है, किसी को नुकसान होता है, तो ऐसे पर्व हमारे को भी दुख देंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे किए कर्म है, हमारी चीजें जो हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं पीछा करती है और नुकसान भी उसका हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ता है। ये चाइनीज मांजा, ये चीजें अगर रोड पे हम भी जा रहे हैं तो कहीं भी ये हमारे को भी घायल कर सकते हैं। हमारे बच्चों के द्वारा उड़ाए गए पतंगों से जो मांजा रोड पे बिखरा होता है वो हमें भी घायल कर सकता है, हमारी भी जान ले सकता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा ध्यान रखें अपने बच्चों का और इन चीजों का प्रयोग करने से अपने बच्चों को रोके। एन भारत टीवी दिल्ली।